इंसर्शन ऑफ ए मिडल वॉवेल। इंसर्शन अभी हम क्या पढ़ेंगे, किनका इंसर्शन, मिडल में आने वाले वॉवेल्स का इंसर्शन। जो इंसर्शन है मिडल वॉवेल का, इनको हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट आज की क्लास में ए पार्ट एंड बी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। ये है अभी इनिशियल मिडल में जो एसेंशियल वॉवेल है, ठीक है। सो फर्स्ट इज अडैप्ट, देन ए डी एंड पी टी, पी एंड टी हाफ लेंथ, ठीक है। अडैप्ट अभी ये क्या है मिडल में, ये वाला वॉवेल हमारा मिडल में है। इससे पहले एक वॉवेल है उसको हमने उसके प्लेस में ही लिखा है, बट इसके ये मिडल वॉवेल है इसको हमने इसके पोजीशन पे लिख दिया। सी डी एंड पी टी एंड वॉवेल अडैप्ट। जैसे हमने इनिशियल वॉवेल पढ़ा था, ठीक है, सिमिलरली मिडल में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अडॉप्ट, पहले हम दोनों आउटलाइन बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है अडॉप्ट, देन डी एंड पी टी एंड अडॉप्ट। सी मिडल में एक में ए का साउंड है एंड सेकेंड में ओ का, अगर हम मिडल वॉवेल नहीं दिखाते तो सिमिलरली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता हमारी आउटलाइन को रीड करना एंड डिफ्रेंशिएट करना कि कहाँ पर हमने कौन सा वर्ड लिखा है, ठीक है। हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता इसको रीड करना कि हमने क्या लिखा है, एंड हम कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए ही एसेंशियल वॉवेल का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर भी वॉवेल को शो करने का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, वहाँ पर हमें हमारा वॉवेल साइन दिखाना है, ठीक है। वहाँ पर हमको उसको इंसर्ट करना है। सो अडैप्ट यहाँ पर देखिए ज़रूरत है, क्योंकि हम दोनों वर्ड्स को नहीं रीड कर पाएंगे अगर हमने यहाँ ए के जगह ए का वॉवेल नहीं करा एंड ओ के जगह ओ का नहीं करा, ठीक है। सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इफ़ वी नॉट प्लेस द वॉवेल साइन। नेक्स्ट इज एक्सट्रिकेट। सो द आउटलाइन इज X tree gate, ठीक है, X tree gate। नेक्स्ट इज extract, देन extract with यहां पर हमने vowel place करा तो ये बना हमारा मिडिल में एक्सट्रिकेट, एंड यहाँ पर वॉवेल नहीं है तो ये है हमारा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। दोनों आउटलाइन सेम है बट डिफरेंस क्या है वॉवेल साइन का, ठीक है। एक वॉवेल साइन प्लेस करने से दोनों आउटलाइन का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज आउटलाइन अगर हम वॉवेल प्लेस ना करें, अगर मैं यहाँ पर हाइड कर दूँ तो दोनों आउटलाइन सेम है, ठीक है। तो अब हमारे लिए इसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो गया है कि कौन सा वर्ड क्या लिखा है, बट अगर हम वॉवेल प्लेस कर देते हैं तो अब हम रीड कर सकते हैं ये एक्सट्रिकेट है एंड ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इज कमिश्नरी, देन के एम शन एंड आर एंड ए, ठीक है। कमिश्नरी एंड यह है कमिश्नर, देन क एम एंड शन एंड आर कमिश्नर, ठीक है। बट यहां पर हमने वॉवेल साउंड पे कर दिया कमिश्ने ए का
तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है, एंड प्रनाउंसिएशन। नेक्स्ट इज एक्सकल्टेशन, एक्सकल्टेशन, सो एक्स कल टे शन, एस्कॉल्टेशन, ओ का साउंड, एस्कॉल्टेशन, यहाँ है एस्कॉल्टेशन, एक्सकल्टेशन, एक्सकॉल्टेशन एंड एक्सकल्टेशन, देन एक्स कल टे शन, एक्सकल्टेशन, ओ का साउंड, एक्सकल्टेशन। नेक्स्ट वॉल्यूबल, वॉल्यूबल, वॉल्यू एंड वॉल्यूबल एंड इधर वैल्यूबल, वैल्यू एल एंड पल, वैल्यूएबल, ठीक है, हो गया वैल्यूएबल। नेक्स्ट इज अमेजिंग, अ मै एस एंड इंग, अमेजिंग। नेक्स्ट इज अम्यूजिंग, देन अ म्यू जिंग, डिप्थोंग अम्यूजिंग, ठीक है। सिर्फ वॉवेल प्लेस करने से दोनों का प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग ऑब्वियसली चेंज हो गया, ठीक है। अभी हम दोनों अलग अलग करके इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनोवेशन, सो इन एंड वे शन, तो इनो ओ इनोवेशन। नेक्स्ट इज इनवेशन, इन वे एंड शन, इनवेशन। लॉस्ट, एल एस टी, लॉस्ट। एंड नेक्स्ट इज लास्ट, एल एस टी, लास्ट, लॉस्ट एंड लास्ट। लेमन, लेमन, देन ले एम एन एन, ले ले लेमन, ठीक है। नेक्स्ट इज ले मैन, एक है मैन और एक है मैन, ठीक है। इधर आउटलाइन जो हो हमारा वॉवेल आएगा एल एम एन मैन, ठीक है, एल एम एन ले मैन। नेक्स्ट है ले मैन, सो एल एम एन ले मैन, ठीक है। नेक्स्ट इज सल्फाइट, देन एस एल एफ आई, सल्फाइट। नेक्स्ट इज सल्फेट, सो सल एंड एफ टी, सल्फेट। ह्यूमनली, ह्यू एम एन डाउनवर्ड एल, ह्यू मैनली, ह्यूमैनली एंड ये है ह्यूमेनली, देन ह्यू एम एन डाउनवर्ड एल एंड मैन। एक में लाइट वॉवेल ह्यू मैनली इनिशियली एंड एक में मिडली, ह्यू मैनली एंड ह्यूमेनली, ओके। सो ये है हमारे इंसर्शन ऑफ ए मिडल वॉवेल, जहाँ पर हमने
दोनों ही सिमिलरली प्रनाउंस होने वाले, ऑलमोस्ट सिमिलरली स्पेल आउट होने वाले और आउटलाइंस भी सेम बनने वाले वॉवेल्स में, मिडल वॉवेल सॉरी आउटलाइंस में, वर्ड्स की आउटलाइंस में मिडल में वॉवेल प्लेस करा उनके साउंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, आउटलाइन सेम थी सबकी, सारे वर्ड्स की, बट वॉवेल्स का डिफरेंट था, साउंड का डिफरेंट था, तो उनके साउंड के अकॉर्डिंग ही हमने वॉवेल प्लेस करा मिडल में। जो मिडल साउंड आ रहे थे उससे क्या हुआ, उनके वर्ड्स का जो आउटलाइन था वो चेंज हुआ, एंड उसके चेंज होने से ही हम उस आउटलाइन को प्रॉपरली रीड कर पाए। ठीक है, सो उसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा आउटलाइन हमारा कौन सा है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.